तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फिलेरियसिस। तो उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन 20 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर के हिसाब से अलग अलग हेडिंग पूछ सकते हैं। लाइफ साइकिल बताओ, लैब डायग्नोसिस बताओ, क्लिनिकल फीचर बताओ, ठीक है? तो दोनों तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिलेरियल नेमेटोड, ठीक है, तो ये क्या होता है कि वेक्टर बॉर्न पैरासाइट है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है, ठीक है? फिर ये दो टाइप का है, लिम्फेटिक फिलेरियसिस और क्यूटेनियस और एंड ओकुलर फिलेरियसिस। तो अभी अपन को लिम्फेटिक फिलेरियसिस देखना है। तो जो लिम्फेटिक फिलेरियसिस है वो रेसाइड इन लिम्फेटिक, प्रोड्यूस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फेटिक्स, ठीक है? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फेटिक्स कराता है, ठीक है? इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है? वल्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मिलाई, ब्रुगिया टिमोरी, ठीक है? तो तीन नाम है वो याद रखने। क्यूटेनियस एंड ओकुलर फिलेरियसिस में ये जो जो होगा ऑर्गेनिज्म वो रहेगा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, प्रोड्यूस क्यूटेनियस एंड ओकुलर मैनिफेस्टेशन, ठीक है? तो यहाँ पर लिम्फेटिक मैनिफेस्टेशन हो रहे थे, यहाँ पर ओकुलर और क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन हो गए। तो इसमें आता है लोअर लोअर एंड ऑनको सरका वॉल्वुलस, ठीक है? फिर नेक्स्ट अपन अब फिलेरियसिस से स्टार्ट करते हैं। उसमें भी क्या बोलते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो दे आर विविपोरस, तो इसमें एग्स नहीं होगा। एग्जिस्टेंट टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, तो दो दो फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म और लार्वा। तो जो एडल्ट फॉर्म होते हैं स्लेंडर, राउंड 2 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इन ह्यूमन, ठीक है? फिर लार्वा जो होते हैं, चार लार्वा होते हैं इसमें, L1 माइक्रोफिलेरिया ही बोलते हैं इसको, और एल्थी फिलेरिफॉर्म लार्वा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये याद करना है, फिलेरिफॉर्म लार्वा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? फिर लिम्फेटिक फिलेरियल नेमेटोड, तो कौन कौन से कराते हैं? वल्चेरिया बैनक्रॉफ्टी जो 90% केस में कराता है, और जो ब्रुगिया मिलाई है वो 10%। तो कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है फिलेरियसिस? कैरेक्टराइज्ड बाई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक्स लीडिंग टू द लिम्फेडिमा, हाइड्रोसील एंड एलिफेंडियसिस। तो ये अपन आगे क्लिनिकल फीचर में सबका मतलब समझेंगे, लिम्फेडिमा, हाइड्रोसील, एलिफेंडियसिस क्या क्या होता है, ठीक है? बस अभी इतना याद करना मॉर्फोलॉजी में कि दो फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म और लार्वा में, और लार्वा में भी फिलेरिफॉर्म जो लार्वा वो इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? और जो वल्चेरिया बैनक्राफ्टी वो 90% केसेस में कराता है, और ब्रुगिया मिलाई 10% में, ठीक है? फिर अब नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। तो उसका जो होस्ट है, जो मैन है वो डेफिनेटिव होस्ट है, और जो मॉस्किटो वो इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है? और वेक्टर में भी जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो प्रिंसिपल वेक्टर होता है, ठीक है? फिर अब देखो, मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्टिव फॉर्म, फिलेरिफॉर्म लार्वा था इन्फेक्टिव फॉर्म, और वो स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है? फिर स्किन से वो कहाँ माइग्रेट करेगा? लिम्फ नोड में, ठीक है? फिर L3 लार्वा डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। तो जो L3 लार्वा है वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा, ठीक है? फिर एडल्ट फॉर्म इन लिम्फेटिक सिस्टम, अब वो जो लिम्फेटिक सिस्टम तक चला गया था लार्वा, वहाँ पर वो कन्वर्ट हो गया एडल्ट फॉर्म में, और फिर वहाँ पर क्या होगा, वो एडल्ट फॉर्म में उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें एग तो बनता नहीं क्योंकि विविपोरस है। फिर उसके बाद बनेगा L1 लार्वा माइक्रोफिलेरी, ठीक है? पेरिफेरल ब्लड में बनेगा, ठीक है? फिर मॉस्किटो बाइट करेगा, उसको ले लेगा माइक्रोफिलेरी को, माइक्रोफिलेरिया इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो, ठीक है? मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा, और फिर वो वहाँ पर मॉल्टिंग होगी उसकी, और फिर से कन्वर्ट होगा L3 लार्वा में, फिर L3 लार्वा कन्वर्ट होगा, फिर ऐसे साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है? तो ऐसे में सबसे पहले L3 लार्वा मैन के अंदर आया, फिर वो जाएगा लिम्फ नोड में, और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो माइक्रोफिलेरी में कन्वर्ट होगा, और फिर वापस से मॉस्किटो से, फिर वापस से साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में पैथोलॉजिक चेंज ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डैमेज टू द लिम्फेटिक्स विच इन टर्न इज ड्यू टू द समेशन ऑफ मैनी इफेक्ट, ठीक है? तो जितना भी डैमेज आता है, पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं लिम्फेटिक्स में, वो किसके कारण था? इन्फ्लेमेटरी डैमेज टू द लिम्फेटिक्स। तो इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है लिम्फेटिक्स में, उसके कारण जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो आते हैं। तो ठीक है, क्या क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले टिश्यू अल्ट्रेशन रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ लाइव एडल्ट वॉर्म सच एज लिम्फेटिक डायलेशन एंड थिकनिंग ऑफ द वेसल। तो जब वो माइग्रेट करता है स्किन से लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा माइग्रेट करता है, तो माइग्रेशन ऑफ लाइव एडल्ट वॉर्म सच एज, तो वो कुछ अल्ट्रेशन करेगा, कुछ चेंज कराएगा, जैसे कि लिम्फेटिक डायलेशन करा दिया, एंड थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल, ठीक है? तो इस कारण से भी कुछ मैनिफेस्टेशन आएंगे। पैथोजेनेसिस अपन डिस्कस करते हैं कि किस कारण से मैनिफेस्टेशन आएंगे, ठीक है? फिर टिश्यू अल्ट्रेशन रिलेटेड टू एंटीजन एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट रिलीज फ्रॉम द डेड एडल्ट फॉर्म, ठीक है? तो ये जो माइग्रेशन की वजह से हो रहा था एक तो, और एक टिश्यू अल्ट्रेशन होगा एंटीजन एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट रिलीज फ्रॉम द डेड एडल्ट फॉर्म। तो जो डेड एडल्ट फॉर्म होगा वो भी कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट सिक्रिएट करेगा, उसकी वजह से भी आएंगे सिम्टम। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो अब क्या होगा कि ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट वगैरह रिलीज हुआ है, जिस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह आएगा और कम होगा, तो इस वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया फंगस भी इन्फेक्शन कर सकता है इसके बाद। तो ठीक है, एक हो गया, तीसरा हो गया। फिर होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू बोथ लाइव एंड डेड पैरासाइट,
ठीक है। फिर जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो अपना एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा लाइव और डेड पैरासाइट के खिलाफ। फिर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, इयोसिनोफिल एंड मैक्रोफेज इन द इन्फेक्टेड वेसल्स। तो जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ उसको इन्फेक्शन दिख रहा होगा तो वहाँ पर भी ये सब क्या करेगा, प्लाज्मा सेल, इयोसिनोफिल एंड मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ पर उसके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके कारण क्या होगा, दिस लीड टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द लिम्फेटिक्स एंड डैमेज टू द लिम्फ वेल्स रिजल्टिंग इन द लिम्फ एडिमा ऑफ लिम्स, ठीक है। तो क्या होगा कि अब क्या होगा, जैसे जैसे इसमें इन्फिल्ट्रेशन होगा इन सब चीज़ों का, तो टॉर्जोसिटी हो जाएगी लिम्फेटिक। तो टॉर्जोसिटी मतलब कि वो ऐसे घुमावदार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे घुमावदार बन जाएंगे, है ना। क्यों क्यों हुआ ऐसा, कि बहुत सारा इसमें कंटेंट भर चुका है और उसके बाद जो उसके वॉल्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, ठीक है, और उसके कारण इडिमा हो जाएगा लिम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो टिश्यू में अल्टरेशन आया वो तीन तीन वजह से आ रखा है, तीन चार वजह से। एक तो एडल्ट वर्म के माइग्रेशन की वजह से, एक एंटीजन टॉक्सिक मेटाबोलाइट निकल रहा है डेड सेल्स में से, सेकेंडरी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से, और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उस वजह से, ठीक है। फिर एज लॉन्ग एज द वर्म रिमेन वाइबल द लिम्फेटिक वेसल थ्रू डैमेज स्टिल रिमेन पेटेंट। तो अब जब तक वो वर्म जिंदा रहेगा तब तक वो लिम्फेटिक वेसल को डैमेज करके रखेगा, ठीक है। हावेवर द डेथ ऑफ द पेशेंट लीड्स टू एनहेंस्ड कैनालमेटस रिएक्शन एंड द फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फ वेसल। तो अब जब जब उसकी डेथ होगी, जब वॉर्म है तो उसके कारण क्या होगा, कैनालमेटस रिएक्शन जनरेट होगी और उसके कारण क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फ वेसल हो जाएगा, ठीक है। फिर दिस रिजल्ट इन द सीवियर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, द लिम्फेटिक फंक्शन इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो उस एडल्ट फॉर्म में उसकी डेथ हुई, ठीक है, डेथ के बाद क्या होगा, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया और वो जो लिम्फ वेसल है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, फाइब्रोसिस हो गया मतलब कि अब वो लिम्फ वहाँ से पास नहीं कर पाएगा, फाइब्रोसिस हो गया वो वेसल्स का। फिर वहाँ से अब क्या होगा कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर वहाँ इडिमा हो जाएगा। तो लिम्फ का काम क्या होता है कि जो फ्लूड है इंटरस्टिशियल फ्लूड जो आता है आर्टरी लेके आती है और वहीं से चला जाता है, पर कुछ फ्लूड रह जाता है इंटरस्टिशियल में और उसको लेके जाता है वापस सर्कुलेशन में। पर अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर इडिमा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सब पैथोजेनेसिस हो गए अपने, ठीक है, देख लेना एक बार। फिर उसके बाद एज एंड जेंडर, तो स्टार्ट्स एट 5 ईयर एंड पीक्स एट मोर देन 30 ईयर, ठीक है। तो 5 साल से शुरू हो जाता है और 30 साल में इसकी पीक आती है, 30 से ज़्यादा साल में। मेल्स में मोर कॉमन रहता है, ठीक है। फिर होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं, एंटीजन ऑफ बोथ एडल्ट फॉर्म एंड माइक्रोफिलेरी आर प्रोसेस बाई एपीसी एंड प्रेजेंटेड टू द टी हेल्पर सेल, ठीक है। तो जो एंटीजन होता है एडल्ट फॉर्म के और माइक्रोफिलेरी के, वो उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और जो टी हेल्पर सेल है उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है। टी हेल्पर स्टिमुलेटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू TH1 एंड TH2 सेल, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है उसको मतलब बचाने के लिए, मतलब कि कैसे अपन उसको किल करेंगे उस एडल्ट फॉर्म को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर में, तो जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 8 से 6 मंथ 16 मंथ का होता है, ठीक है। फिर मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा, सबसे पहले लिम्फेटिक फिलेरिसिस हो जाएगा, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया होगा। इयोसिनोफिलिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जब ये इन्फेक्शन करता है तो उस वजह से इयोसिनोफिल के नंबर बढ़ते थे, इयोसिनोफिलिया हो जाएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड मैनिफेस्टेशन, तो अब एंटीबॉडी भी जनरेट होती है तो उसके कारण हो जाएगा। सबसे पहले अपन लिम्फेटिक फिलेरिसिस डिस्कस करते हैं और कौन कौन सी स्टेजेस होती है इसमें, ठीक है। तो सब इसमें सबसे पहले 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है एंडेमिक नॉर्मल, तो एंडेमिक नॉर्मल जहाँ पर भी ये मतलब एंडेमिक एरिया जहाँ पर भी ये रिसाइड कर रहा है और जहाँ पर ये पैरासाइट ज़्यादा मतलब होता है, तो वहाँ पर मतलब कि नॉर्मल पीपल रहते हैं। तो नॉर्मल पीपल रिसाइडिंग इन द एंडेमिक एरिया दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाई द पैरासाइट, और वहाँ पर प्रिवलेंस रहती है 0 से 50%, ठीक है। तो एंडेमिक नॉर्मल है, तो मतलब कि एंडेमिक नॉर्मल जहाँ पर मतलब फिलेरिसिस पहले से ही प्रेजेंट है मतलब जिस एरिया में, तो वहाँ पर क्या होगा, उन पर्सन्स के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, तो वो नॉर्मल पीपल रहेंगे मतलब उस एरिया में, ठीक है, और वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे इस पैरासाइट से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज वन में आएगी एंडेमिक नॉर्मल, फिर दूसरी आती है एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलेरी, ठीक है। तो इन एंडेमिक एरिया मैनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम्स ऑफ फिलेरिया इन्फेक्शन। तो अब किसी में भी मतलब कुछ में तो सबसे पहले लिखा कि एंडेमिक नॉर्मल, वहाँ इन्फेक्शन ही नहीं होता उनके अंदर, फिर कुछ में इन्फेक्शन होता है पर वो सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, ठीक है, कैरियर की तरह काम करेगा। तो माइक्रोफिलेरिया कैन बी डेमोस्ट्रेटेड इन द पेरीफेरल ब्लड, तो उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे पर वो है तो उनके अंदर इन्फेक्शन है ना, तो वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उनको डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, माइक्रोफिलेरिया को पेरिफेरल ब्लड में डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक हेमेटियूरिया, प्रोटीन यूरिया, इससे अपन पता कर सकते हैं। डायलेटेड एंड टॉर्चस लिम्फेटिक्स देखेंगे इसमें, ठीक है, और फिलेरियल डांस साइन, इसमें फिलेरियल डांस साइन अभी अपन लेफ्ट एंगल से पढ़ेंगे। तो अल्ट्रासाउंड शो मोटाइल एडल्ट वॉर्म इन द स्क्रोटल लिम्फेटिक्स, जब स्क्रोटल लिम्फेटिक्स में अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं जो फिलेरियल डांस साइन देखते हैं, जो फिलेरी है ना वैसे लगता है कि डांस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दूसरी स्टेज हो गई, सबसे पहले हो गई अपने एंडेमिक नॉर्मल, फिर दूसरी हो गई सिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलेरी, ठीक है। फिर अब आते तीसरे में एक्यूट फिलेरियसिस, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ फिलेरियल फीवर, लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, लिम्फेंजाइटिस एंड लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है।
इसमें क्या होगा लिम्फेटिक इंफ्लामेशन में, कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आर मोर कॉमनली इफेक्टेड, जो पैर होते हैं वो ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। एपिट्रोक्लियर एक्सिलरी फीमोरल लिम्फ नोड इफेक्टेड, ठीक है, तो नाम याद ना हो तो चलेगा। ठीक है, फिर लिम्फ नोड आर फर्म डिस्क्रीट टेंडर एंड इनलार्ज, तो जो लिम्फ नोड होंगे वो बढ़ जाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह हो गया ना। लिम्फ वेसल्स आर इन्फ्लेम्ड एंड इंड्यूरेटेड, अब वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ठीक है, फिर लिम्फेटिक्स ऑफ मेल जेनाइटल्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व लीड्स टू फ्यूनिकुलाइटिस और एपिडीडाइमाइटिस। तो इस क्या होगा कि जो वो है जेनाइटल एरिया मेल का वो भी इन्वॉल्व होगा इसमें, तो यहाँ पर ये फ्यूनिकुलाइटिस और एपिडीडाइमाइटिस करा देगा। ठीक है, फिर ट्रांजियंस लोकल एडिमा, अर्ली पिटिंग एडिमा एंड रिवर्सिबल ऑन लिम्फ एलिवेशन। फिर अब ऐसा है कि यहाँ पर लोकल एडिमा चालू हो जाएगा, एडिमा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उस वजह से फ्लूड वापस जा नहीं पा रहा, तो उस वजह से एडिमा होगा। तो कौन सा होगा, अर्ली पिटिंग एडिमा होगा और रिवर्सल ऑन लिम्फ एलिवेशन। अब जैसे पैर उठाएंगे तो वो जो एडिमा है वो कम हो जाएगा। फिर डर्मेटो लिम्फेजाइटिस प्लैग लाइक लीजन इज फॉर्म्ड ओवर द इफेक्टेड स्किन विद द फीवर चिल्स एंड लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये वाले इसमें ये भी देखेगा सिम्टम्स। तो एक्यूट फिलेरिसिस में याद करना है कि एक तो फिलेरियल फीवर के एपिसोड देखेंगे और लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट इसे जाती है क्रॉनिक फिलेरियसिस, तो ये 10 से 15 साल के इन्फेक्शन के बाद होती है। क्रॉनिक इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डेड वॉर्म लीड्स टू द ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फ वेसल। ठीक है, फिर जो अब जो है 10-15 साल में अब वो जो डेड वॉर्म है उसके खराब ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करा देगा और फाइब्रोसिस हो जाएगी लिम्फ वेसल की, अब पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो अब नहीं हो सकता। ठीक है कुछ, फिर नेक्स्ट आता हाइड्रोसिल मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है, तो अब इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ क्लियर एस्ट्रो कलर्ड फ्लूड इन द कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस ऑफ टेस्टिस, तो जो टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वहाँ पर ये क्लियर एस्ट्रो कलर फ्लूड जमा होने लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। ठीक है, हाइड्रोसिल का मतलब समझ में आया। फिर आता है एलिफेंटियासिस, तो एलिफेंटियासिस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि एलिफेंट जैसे लेग हो जाएंगे, तो स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम और लेस कॉमनली आर्म वल्वा और ब्रेस्ट। ठीक है, तो जो लोअर लिम है वहीं पर ही स्वेलिंग होगी, ठीक है, ज़्यादातर, और उसको ही बोलते हैं अपन एलिफेंटियासिस। फिर क्रॉनिक फ्यूनिकुलाइटिस और एपिडीडाइमाइटिस तो होता ही है। फिर काइल यूरिया, इसमें क्या, एक्सक्रीशन ऑफ काइल ए मिल्की वाइट फ्लूड इन यूरिन में ऑकर रेयरली, दिस इज ड्यू टू रप्चर ऑफ लिम्फ वेसल इनटू द यूरिनरी सिस्टम, तो जो लिम्फेटिक वेसल है ना उसका रप्चर हो जाए यूरिनरी सिस्टम में, तो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू वो जो लिम्फेटिक फ्लूड है वो बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो ये रेयर होता है काइल यूरिया। ठीक है, तो अपन ने अभी पढ़ से देख लेते हैं, अपन ने चार स्टेज पढ़ी, एक तो एंडेमिक नॉर्मल, एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलेरी, एक्यूट फिलेरियसिस, और उसके बाद क्या पढ़ा, क्रॉनिक फिलेरियसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपन ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईसिनोफिलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑकल फिलेरियसिस इट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू माइक्रोफिलेरी एंटीजन, तो जो ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईसिनोफिलिया है वो किसकी वजह से होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है माइक्रोफिलेरी एंटीजन के खिलाफ होती है उसकी वजह से होता है। फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग माइक्रोफिलेरियल एंटीजन डिपॉजिट इन द वेरियस ऑर्गन, तो अब जो एंटीजन है वो वाले वो बहुत ज़्यादा किसी किसी ऑर्गन में जमा होने चालू हो जाएंगे, जैसे किडनी और जॉइंट्स में जमा होगा। ठीक है, तो उसके कारण वो और भी सिम्टम्स या फिर सिंड्रोम्स करा सकते हैं, जैसे किडनी में अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा हो गए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा देगा, हेमेटूरिया प्रोटीनूरिया करा देगा। ठीक है, फिर जॉइंट्स में होगा तो फिलेरियल आर्थराइटिस ऑफ नी एंड एंकल। ठीक है, तो जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हैं है ना, तो ये और भी डिजीज़ करा सकते हैं अगर और किसी ऑर्गन में जाके जमा होगा। ठीक है, फिर लास्ट आता है लैब डायग्नोसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलेरी, तो अपन सबसे पहले डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं माइक्रोफिलेरी को। ठीक है, तो माइक्रोफिलेरी क्या था, एल1 लार्वा था। ठीक है, एल1 स्टेज थी। माइक्रोफिलेरी कैन बी फाउंड इन ब्लड एंड ओकेशनली इन द हाइड्रोसिल फ्लूड, यूरिन और अदर बॉडी फ्लूड में मिल सकता है। ठीक है, तो उसको अपन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फेट फाउंड से कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वेंट माउंट डेमोस्ट्रेट सर्पेंटाइन मूवमेंट ऑफ माइक्रोफिलेरी, तो इसमें सर्पेंटाइन मूवमेंट देखेगी, सांप जैसी मूवमेंट देखेगी। ठीक है, थिक एंड थिन स्मियर्स, ठीक है, ये वाला मेथड है, लेसमेंस और जिस्मा स्ट्रेन करेंगे अपन, जिससे कि अपन को टू ऑब्जर्व सीथ एंड न्यूक्लियाई ऑफ माइक्रोफिलेरी, तो अपन को सीथ एंड न्यूक्लियाई देखेगा माइक्रोफिलेरी। ठीक है, अपन डायग्राम देखते हैं अभी आगे। कंसंट्रेशन टेक्निक यूज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और नॉट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, तो ये कंसंट्रेशन टेक्निक है, वो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी माइक्रोफिलेरी को। ठीक है, माइक्रोफिलेरी कंसंट्रेशन सैंपल में। फिर कलेक्शन टाइम भी फिक्स रहता है 9 PM टू एंड 4 PM, 9 PM एंड 4 AM, तो नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी ऑफ माइक्रोफिलेरी की वजह से, तो या तो एकदम सुबह निकलेगा, ठीक है, या फिर 9 PM में, ठीक है, रात में। फिर DEC प्रोवोकेशन टेस्ट इज डन टू कलेक्ट द ब्लड इन द डे टाइम,
ठीक है। तो अगर अपन को डे टाइम में कलेक्शन सैंपल का कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो पेशेंट टेक DEC टैबलेट, तो उसको पेशेंट को DEC टैबलेट दे देंगे, नॉक्टर्नल माइक्रोफिलेरी स्टिमुलेटेड, तो जो माइक्रोफिलेरी है वो स्टिमुलेट होगी और वो पेरिफेरल ब्लड में आना चालू होगी, तो कम टू पेरिफेरल ब्लड विद इन 15 to 1 hour, जैसे कि 15 से 1 घंटे में वो ब्लड में आ जाएगी वो माइक्रोफिलेरी, फिर अपन उसके बाद उसका सैंपल ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो टेस्ट है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऑन को सर का और लोअर लोअर इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो अपन तो उसके लिए करना भी नहीं है, अपन को करना किसके लिए, बुलजीरिया वेनक्रिप्टी के लिए, ठीक है। फिर QBC क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन, इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफिकेशन करते हैं सैंपल का, स्टेनिंग विथ एक्राइडीन ऑरेंज स्टेन, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं अपन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और ये वाली जो टेक्निक फ्लोरेसेंस टेक्निक, इसमें भी ज़्यादा मतलब सबसे सेंसिटिव होती है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। फिर इसमें फॉल्स नेगेटिव भी देख सकता है कि इसमें ऑकल्ट फिलेरिसिस में और क्रॉनिक फिलेरिसिस एंड एंडेमिक नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल में भी फॉल्स नेगेटिव देखेगा, और रॉन्ग टाइम ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्ट अगर गलत टाइम पे कर लोगे तो माइक्रोफिलेरिया आएगा ही नहीं पेरिफेरल ब्लड में, तो अपन का जो सैंपल है वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि अगर अपन को डेमोस्ट्रेट करना माइक्रोफिलेरी को तो डायरेक्ट बेड माउंट से करेंगे, थिक एंड थिन स्मेयर से करेंगे और QBC से करेंगे, ठीक है। तीन मेथड हैं बाकी, तो ये कंसंट्रेशन टेक्निक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कलेक्शन टाइम हो गया, और DEC प्रोबेगेशन टेस्ट के मतलब अपन को अगर किसी भी टाइम चाहिए अपन को सैंपल तो अपन ये टैबलेट देंगे, फिर उसके बाद जो वो है माइक्रोफिलेरी वो आ जाएगा पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव क्यों आता है, ठीक है। फिर अब आते हैं कि माइक्रोफिलेरी दिखता कैसे है, तो इट मेजर 260 माइक्रोमीटर इंटू 7.5 मेजरमेंट, याद नहीं करना, ठीक है। और इसमें हाइलिन सीथ प्रेजेंट होती है, अभी देखते हैं। फिर ये देखो, सबसे पहले ये है माइक्रोफिलेरी का डायग्राम, ठीक है। तो ये सीथ प्रेजेंट है पूरे वर्म के चारों तरफ। फिर नेक्स्ट, हेड एंड इज ब्लंट वाइल द टेल एंड इज पॉइंटेड, तो भाई डायग्राम बनाना अगर अपन को पेपर में, तो जिसका टेल एंड है वो पॉइंटेड है देखो, और जो हेड एंड है वो ब्लंटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द सेफेलिक स्पेस लेंथ टू विड्थ रेशियो इज 1:1, तो जो सेफेलिक स्पेस है और लेंथ टू विड्थ रेशियो है वो 1:1 है, देखो यहाँ पर जो जितनी मतलब यहाँ पर थोड़ा डायग्राम वैसा बना है, पर लेंथ टू विड्थ रेशियो 1:1 होती है सेफेलिक स्पेस में, ठीक है। फिर अब देखो, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो लार्ज कोर्स वेल सेपरेटेड प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट नियर द टेल एंड, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं लार्ज कोर्स वेल सेपरेटेड प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में एक जैसे प्रेजेंट होते हैं, पर टेल एंड में नहीं होते, तो नो न्यूक्लियाई इन द टेल टिप, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई और ऑल्सो एब्सेंट इन फ्यू प्लेसेस वेयर वेरियस प्राइमोडियल ऑर्गन आर प्रेजेंट लाइक नर्व रिंग, एस्क्रीटरी पोर, एनल पोर एंड जेनाइटल सेल्स, तो जहाँ पर भी ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एस्क्रीटरी पोर हो गया, एनल पोर हो गया, जेनाइटल सेल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूक्लियाई एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन में क्या करेंगे कि जो वल्जीरिया बैनक्राफ्ट है तो जो उसके एंटीजन प्रेजेंट है सर्कुलेशन में, तो उसको डिटेक्ट करेंगे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करेगी, OG4C3 और AD12 एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। ये दो एंटीजन है, इसके खिलाफ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काम करेगी, ELISA और रैपिड ICT टेस्ट है वो अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर सेंसिटिव देन माइक्रोस्कोपी, कैन बी डिटेक्टेड इन डे टाइम, सही बात है, डे टाइम में अपन माइक्रोफिलेरी का सैंपल नहीं ले पा रहे थे, है ना, और माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव है, और कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन में भी इसके जो एंटीजन है वो डिटेक्ट कर सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन, तो पैरासाइट स्पेसिफिक IG4 इज इंक्रीज इन एक्टिव फिलेरियसिस, तो एक्टिव फिलेरियसिस जब होता है तो IG4 जो होता है IgG4 वो पैरासाइट स्पेसिफिक जो IgG4 होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। IgG2 लेवल अपीयर्स टू बी एलिवेटेड इन द पेशेंट विथ एलिफेंटियसिस, तो IgG2 का लेवल और IgG4 का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर मेथड्स, फिर फ्लो थ्रो ऐसे कर सकते हैं, और ल्यूसीफेरेज इम्यूनो प्रेसिपिटेशन सिस्टम से भी अपन इसको एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, तो ये दो नाम बस याद कर लेना। फिर इमेजिंग मेथड, अल्ट्रासाउंड में डायलेटेड एंड टॉर्चस लिम्फेटिक वेसल देखेंगे, टॉर्चस मतलब कि ज़्यादा मोड़ी जिसमें ज़्यादा घुमावदार, है ना, सरपेंटाइन मूवमेंट ऑफ एडल्ट फॉर्म, तो फिलेरियल डांस साइन जो होता है वो अपन को दिखता है, सरपेंटाइन मूवमेंट वैसे वो नाचता हुआ दिखता है, ऐसे जो वॉर्म रहता है वो ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। फिर एक्सरे कैन डिटेक्ट डेड एंड कैल्सिफाइड वॉर्म, तो अपन एक्सरे के थ्रू डेड और कैल्सिफाइड वॉर्म देख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर मॉलिकुलर मेथड में आता है PCR और RT-PCR, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, कैन डिटेक्ट लो लेवल ऑफ पैरासाइटेमिया, बहुत कम अगर लेवल है तब भी दिख जाएगा, और डिफरेंट पास्ट और प्रेजेंट इन्फेक्शन में डिफरेंशिएट कर देगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिलेरियल पैरासाइट, तो कौन सा पैरासाइट वल्चेरिया वेनक्राफ्टी है कि वो मलाई वाला है। फिर फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, डिटेक्ट पैरासाइट इन कैरियर्स में भी डिटेक्ट कर लेगा, तो ये मॉलिकुलर मेथड का फायदा। अदर मेथड में आएगा यूसिनोफिलिया, एलिवेटेड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ IgE और यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस थोड़ा मतलब से बड़ा सा है पर कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट, डाई इथाइल कार्मजीन, तो ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरिस के लिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं DEC, गिवन 6 mg/kg फॉर 12 डेज, किल बोथ एडल्ट फॉर्म एंड माइक्रोफिलेरी, ठीक है। फिर एल्बेंडाजोल,
डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेन याद क्या करना है, डाई इथाइल कार्बामाइसिन, DEC बोलते हैं इसको, ठीक है, थैंक यू।